हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर नीता शर्मा। हाउ आर यू ऑल? टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड वी ईट इज़ ग्राउंड इन टू स्मॉल पीसेज बाय टीथ। द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा इन द माउथ। जो हम फूड खाते हैं वो टीथ उसको स्मॉल पीसेस में ग्राइंड करता है और जो माउथ में हमारी लार होती है जिसको हम सलाइवा कहते हैं वो फूड में मिक्स हो जाती है। सलाइवा इज़ अ लिक्विड प्रेजेंट इन माउथ। इट इज़ डाइजेस्टिव जूस विच बिगेन्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स। जो सलाइवा है एक तरह का डाइजेस्टिव जूस होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। व्हेन यू स्वैलो फूड इट गोज इनटू फूड पाइप। द फूड पाइप ओपन इनटू द स्टमक। जब हम खाने को निगलते हैं तो वो फूड पाइप से स्टमक में जाता है। फूड रिमेंस इन द स्टमक फॉर अ फ्यू आवर्स। द स्टमक च्यूज द फूड ऑल द टाइम एंड चेंजेस इट इनटू अ फाइन पेस्ट। और स्टमक में जाके ये फाइन पेस्ट में कन्वर्ट होता है फूड। द स्टमक एड्स एसिड्स टू द फूड। द एसिड किल्स एनी जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड। फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में फूड में जो भी जर्म्स होते हैं वो किल होते हैं और उसके बाद जो फूड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग नैरो ट्यूब। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज मिक्स विद द फूड। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज से फूड में लीवर से फूड में मिक्स हो जाते हैं। दीज डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड। द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे फूड का डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड एंटर द ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स दीज यूजफुल सब्सटेंसेस टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड वेसल्स में मिक्स होते हैं और ब्लड पूरे बॉडी में जो सब्सटेंसेस को है वो ट्रांसपोर्ट करता है। द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। इन द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड इज टेकन बैक इनटू द ब्लड। व्हाट नाउ रिमेन्स इन द वेस्ट। जो बच जाता है वो वेस्ट होता है। इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रो विच द फेसेस पास आउट इज कॉल्ड एनस। जो वेस्ट होता है वो बॉडी से वेस्ट फॉर्म में फेसेस फॉर्म में थ्रोन होता है, बाहर निकलता है। किससे निकलता है? बॉडी के एनस पार्ट से। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड।